नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय देव ब्लॉग। और दोस्तों आज मैं जू आया हूँ और देख सकते हो ये जू का एरिया है और ये मेन रोड है, देख सकते हो ये मेन रोड है। और मैं बस से आया हूँ और अभी अंदर चलेंगे, आपको बताएंगे जो कैसे अंदर जाना है, कहाँ से अंदर होना ब्लॉग है और चलते इधर से इधर अंदर जाना है। बने रहिए ब्लॉग में। देख सकते हो यहाँ पे टिकट बनता है और आके यहाँ पे फंस गया हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि बेकार हो गया आज का आना, क्योंकि मेरा पास टिकट नहीं था और मुझे पता ही नहीं था जो यहाँ पे टिकट मतलब पहले ऑनलाइन बनता है। और मैं आज ही वीडियो देखा भी था एक भाई का, तो मैं सोचा था चलो वहाँ पे जाके कर लेंगे, मगर मेरे पास जो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है ना वो कार्ड में भूल गया था। और आपको अभी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से वो करते हैं, आप लोग बने रहिएगा। और नेक्स्ट टाइम आएंगे और जब भी आना है वो पहले ही टिकट करके आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोगों का भीड़ है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और मगर वापसी भी जा रहे हैं, और किसी किसी का तो टिकट बन भी नहीं रहा है पेमेंट काटने का बाद भी। तो देख सकते हो यहाँ पे लोग आए हुए हैं। पहले इस एरिया में टिकट बनता था मगर अभी जब से ये कोरोना काल से बंद हो गया ये, और किसी को पता भी नहीं है इस चीज़ का। और इधर देखो ये व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अभी खाली हाथ ही जाना होगा आज बिना कुछ करे हुए, और बने रहना आप लोग। और आगे आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से टिकट बनाए जाते हैं। तो देखो पसीना बह रहा है और चल रहा हूँ यहाँ से अभी, यार बेकार हो गया आज का दिन। और आज सही में आज बागेश्वर धाम सरकार से भी मिलने का प्लानिंग था मगर वो 15 तारीख को एंड हो गया है, और मैं आज 16 तारीख है और 16 तारीख को जाने का प्रोग्राम था मेरा, और मैं देर हो गया क्योंकि मैं हरिद्वार में था। और चलते आज का सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया मेरा, और अभी यहाँ से निकलता हूँ। आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, और यहाँ पे कैसे आना है वो भी आपको बता देंगे, आप लोगों को गूगल मैप में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों आज तो जू में जा नहीं पाया था तो मैं सोच रहा हूँ छोटा सा ब्लॉग यहाँ पर बना लूँ। जो भी मेरे मुसलमान भाई लोग हैं तो वो मेरे भी दोस्त लोग हैं, तो मैं उनके लिए खास करके ये उनके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जू के ऑपोजिट साइड में एक मस्जिद है ये, और देख सकते हो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे है मस्जिद, और देख सकते हो ये काफ़ी पुराना है, और देख सकते हो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जो इनके दीवारें हैं ना, काफ़ी अच्छा है। और देखो चारों तरफ, ये ठीक जू के ऑपोजिट साइड में ही है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देखो जैसे जैसे यहाँ पे जेल बने हुए हो ऐसा लग रहा है, देखिए जेल जैसे बने हुए है। और देखो इधर भी एक है, देख सकते हो। तो अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ क्या है अंदर, देख सकते हो यहाँ पे अंदर बहुत ही पुराना होगा, मुझे पता भी नहीं है कितना साल पुराना है, देख सकते हो यहाँ पे मैं इसका अंदर ही हूँ। काफ़ी अच्छा है मस्जिद, ये काफ़ी पुराना है, और आप लोग आके यहाँ पे देख सकते हो घूम सकते हो, ये कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे हर कोई आ सकता है, ऐसे नहीं है जो खाली मुसलमान लोग ही आते हैं, हमारे हर कोई भाई आ सकता है यहाँ पर। और मैं जाते रहता हूँ, मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, आप लोगों को पता भी होगा मैं कई सारे ब्लॉग में आए हुए हैं मेरे। और तो यहाँ पे इधर भी बना हुआ है, काफ़ी काफ़ी पुराना पुराना है, काफ़ी पुराना मस्त लग रहा है देखने में। अरे ये देखो कितने मेहनत किया होगा इन चीज़ों में बनाने में, ये सोचो सोचो ये कैसे कैसे उठा उठा के, पहले के ज़माने के है और काफ़ी पुराना है, अभी भी बहुत मजबूत है। और देख सकते हो यहाँ पे ये भी काफ़ी पुराना ही लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है यार सही में। यार मैंने कभी दिल्ली में घुमा नहीं इतना, मगर देखो देखो और एक है, ये जेल खाने हैं बने हुए लग रहे मुझे। और देखो ये है, चारों तरफ दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, देखो ऊपर जाने का भी रास्ता है एक, ये ताला लगा हुआ है।
और गाइज आप लोग आना ज़रूर यहाँ पे, सही में यार घूमो यार, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह घूम के देखना चाहिए, आप लोग को इन्जॉय करना चाहिए। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, देखो इधर भी है, पता नहीं ऊपर कैसे जाए। देखो इधर भी बंद है, ये जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं। कहो हाँ जी, हाँ बाहर ही, ठीक ठीक है दोस्तों। इधर नमाज पढ़ा जाता है इधर अंदर, और ये देखो काफ़ी ऊंची ऊंची, 30-35 फीट ऊपर होगा ये, और इधर का तो 40-50 फीट से ऊपर ही है। और दोस्तों अभी कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे और चलेंगे यहाँ से, और अभी निकलते हैं यहाँ से मस्जिद से। पहली बार किसी मस्जिद में आया हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो देख सकते हो भाई कितने अच्छी तरीके से पानी निकाल रहे हैं यहाँ पर के लिए, और बिल्कुल साफ पानी है, आप देख सकते हो निकाल रहे भाई, देखो डाल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको आगे ऊपर जा चढ़ के दिखाता हूँ। ऊपर आ सकता हूँ ना छोटू, आ सकता हूँ? तो दोस्तों ये है, हाँ यार 20 फुट से ऊपर ही होगा, और देख सकते हो काफ़ी गहरा है, ये गहरा पानी है, और देखो बिल्कुल साफ पानी है बिल्कुल। हेलो, बाहर जब आए ना आप तो बाहर दिखाई दिया ये मस्जिद कितना साल पुराना है लिखा हुआ है, और स्क्रीन पे शो कर रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा 1561 का लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो 1561 का ये मस्जिद है बना हुआ, और आप सोच सकते हो कितना साल पुराना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना, कमेंट करना, और आगे आप लोगों को जानकारी देंगे जो मैं आने का कैसे टिकट बनाया जाता है, बने रहना ब्लॉग में। अगर आपको जू आना है तो गूगल मैप को ओपन कर लेना है, और फिर इसमें सर्च करना है आपको जू, खावा आ रहा है जू इन दिल्ली लिखोगे, जैसे ही इसका लोकेशन आ जाएगा, मेरे यहाँ से दिखाई दे रहा है 5.2 किलोमीटर, तो ये दूसरा वाला है, इसको क्लिक करूँगा तो देख सकते हो अभी ये क्लोज हो गया है, 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। और इसको मैं डायरेक्शन में क्लिक करूँगा, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे अपना लोकेशन डालना है, इस जगह में जहाँ पे भी हो आप, कहीं से भी हो, मान लीजिए आप आ रहे हो मथुरा से आ रहे हो तो मथुरा लिखो, मथुरा, तो मथुरा यहाँ पे जैसे लिखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको, मतलब 2 घंटा 13 मिनट में यहाँ पे आ जाओगे ट्रेन से, तो इसको क्लिक कर लेना है। तो कैसे आना है तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे कैसे आना है, तो मथुरा से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली पे आना है, ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से फिर 13 मिनट बाद आप ऑटो पकड़ के जा सकते हो पार्क में, फिर यहाँ से 13 मिनट आपको लगेगा ऑटो से जू तक पहुँचने में। अगर आप दिल्ली में आते हो तो ये जो गूगल मैप है आपको चलाना आना चाहिए, और हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, कहीं भी आप जाते हो तो मैप खोल के ज़रूर चेक करें। अभी आगे आपको बताता हूँ टिकट कैसे करें इसके लिए, तो टिकट का प्रोसेस भी अच्छी तरीके से बताएंगे आपको, बने रहिए ब्लॉग में। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, तो देख सकते हो लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा फ़ोन नंबर, मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो ये टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा देख सकते हो आप लोग, तो उसमें एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक दो बार तो आसानी से डल जाए, तो ये डल जाएगा आसानी से। तो फिर लॉगिन करना है, तो अभी मेरा वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो इस कोड को यहाँ पे टाइप करना है, तो आ चुका है, तो देख सकते हो मैं वेरीफाई कर चुका हूँ अपना ये, तो मुझे यहाँ में दिखाई दे रहा है
या कौन सी तारीख को आप जाओगे, तो उसके लिए तो मैं डाल लेता हूँ 19 तारीख का मान लीजिए 12 बजे का बाद का। आपको और एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे आप सुबह जाओ और शाम को निकलो। मैंने उन्हें पूछा था गार्ड को, तो उन्होंने बोल दिया था जी सुबह आओ और शाम को 5 बजे निकलना ही निकलना है। और यहाँ पर पूरा लिस्ट है बना हुआ, मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। एक एडल्ट पर्सन के लिए है 80 रुपये, जैसे हम लोग है, बच्चों के लिए 40, सीनियर सिटीजन के लिए है 40, और फॉरेन विजिटर एक्सेप्ट उनके लिए, फॉरेनर के लिए 400 रुपये, सोच सकते हो आप। और बिल्कुल होना चाहिए 400 रुपये, कम बता रहे हैं डॉलर के हिसाब से, ज़्यादा होना चाहिए। तो बाकी ये तो हमें ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो भी बना सकते हो तो उसका लिए चार्ज 2000, और फ्यूचर फिल्म के लिए दे सकते हो 50,000 रुपये। सारा डिटेल्स आपको पता चल गया होगा, तो यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। तो मैं कर लेता हूँ 80 रुपये वाला एक, तो यहाँ पे जैसे आप भरोगे एक तो एक का आ जाएगा। तो मैं अभी इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ, तो जैसे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है आपका जो 80 रुपये एक बंदे का। तो मेक पेमेंट पे करना है, मेक पेमेंट पे करके देख सकते हो यहाँ पे अभी अपना। फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है आपको डालने के बाद। फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मैं अभी कार्ड का डिटेल्स खोलूंगा। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे पेमेंट एरर आ रहा है और कट लिया गया है पैसे, और यहाँ पे रिफंड हो जाएगा 4 से 7 दिन में। और अदर डॉटर फिर से दोबारा से करने के लिए बोल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मेरा तो अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को पूरा आइडिया आपको बता दिया है मैंने सारा कुछ कैसे करना है। और इसके बाद जैसे ये करोगे आप, उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा और उसमें आपको QR कोड आ जाएगा। QR कोड को स्कैनिंग करवा के अंदर जाना है। तो आप लोग आई थिंक सारा कुछ आपको पता चल गया होगा कैसे टिकट करना है। तो यहाँ पे ये सर्विस एरर की वजह से ये दिखा नहीं रहा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो और जानकारी बताना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है। तो आज के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।